हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट क्लास में डी ब्रॉयली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उस कॉन्सेप्ट को आज हम क्वेश्चंस के थ्रू और भी अच्छे तरीके समझेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उन क्वेश्चंस की हेल्प से हम डी ब्रॉयली वेवलेंथ को और भी अच्छे तरीके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू बी 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो देखो हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी दी हुई है 1.6 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ओके, फिर हमें पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी। ओके, दैट इज लैम्डा, हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था कि वेवलेंथ इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दैट इज एम इनटू वी। ठीक है, अब हमें एच की वैल्यू पता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। ठीक है, और वेलोसिटी क्वेश्चन में दी हुआ है, तो हम आसानी से लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पर लैम्डा इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.626 × 10⁻¹। ये वैल्यू अपने स्टैंडर्ड यूनिट में है ना। फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। ध्यान रखना हमें यहां पर वैल्यूज को अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में रखना है। ठीक है, जैसे मास की स्टैंडर्ड यूनिट होती है किलोग्राम, तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन के मास को किलोग्राम में ही रख रहे हैं। ओके, फिर वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में दी हुई है 1.6 × 10⁶। ओके, अब ये थोड़ा सा यहां पर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो देखो 6.626 / 9.1, इसको आप जब सॉल्व करोगे ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.73। ओके, तो इस डाटा को अपन याद भी कर सकते हो क्योंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स रहेगा और एच की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, तो 6.626 / 9.1 की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, तो इसको याद कर लो आप ना, 6.626 / 9.1 0.73 के आसपास रहता है। ओके, यहाँ पे 0.73 याद करना है। ठीक है, फिर अपॉन 1.6 × 10⁶। अब ये पावर्स बची हुई है ना, तो हम पहले इस पावर को सॉल्व कर लेते हैं, 10⁻¹ अपॉन 10⁻¹। इसको सॉल्व करोगे तो 10⁻¹-3, -31 ऊपर जाके +31 हो जाएगा, तो -34 + 31 -3 आएगा। ओके, फिर देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो अब ये 0.73 / 1.6, तो इसको लिख सकते हैं अपन 7.3 × 10⁻⁴ / 1.6 × 10⁶। ठीक है, तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो 7.3 / 1.6 करके देखना, तो ये लगभग 4.5 के आसपास आएगा, है ना, सॉल्व में देख लेना आपको। ओके, फिर × 10⁶ है, ऊपर जाके -6, 3 बनेगा 10⁻¹ और यूनिट होगी मीटर, क्योंकि हमने सारी वैल्यूज अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में रखी है। ठीक है, तो ये कितना आया 4.5 × 10⁻¹, तो इसको अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो क्या बनेगा, ये 4.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये आई वेवलेंथ इसकी इलेक्ट्रॉन की। ओके, फिर देखो हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन में हमें बॉल दी हुई है, ठीक है, जिसका मास है 100 ग्राम। ओके, और ये मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकेंड से, है ना,
तो इस बॉल की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड और मास है 100 ग्राम। तो हमें इस बॉल से एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ पता करना है। वेवलेंथ क्या होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन बना के फिर से सॉल्व करेंगे हम। सिमिलरली जैसा इसमें सॉल्व किया था, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम इनटू बी। ओके, लैम्डा इक्वल्स टू 6.626 × 10⁻⁴ तो कभी कभी जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो एग्जाम में तो 6.626 को 6.6 ले सकते हो राउंड फिगर करके, या फिर 6.63 ले सकते हो ताकि जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर सको, है ना। तो वहां पर स्मार्ट दिमाग लगाना होता है, ऐसा नहीं कि सारी वैल्यूज को लेके पूरा कैलकुलेशन कर रहे हो, तो पूरा टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना, ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके, फिर मास दिया हुआ है 100 ग्राम। अब 100 ग्राम को हमें कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम में, ठीक है। ध्यान रखना मास यहाँ पर किस रखोगे, किलोग्राम में रखोगे। तो 100 ग्राम इज 0.1 किलोग्राम। ये 0.1 किलो था हमने मास, समझ में आया सभी को, क्योंकि यहाँ पर केजी में रखा है मास को, इनटू वेलोसिटी कितनी है 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आएगा 6.626 × 10⁻¹. अब ये 0.3 मीन्स 3/10, तो 3/10 करोगे तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो वो −33 हो जाएगा, है ना। फिर ये 6.626 × 3 ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 2.2, है ना। हम आगे सॉल्व नहीं कर रहे, 6.6 तक ही सॉल्व करते हैं इसको, × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब देखो यहां, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ आई 4.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, और बॉल की वेवलेंथ आई 2.2 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अब दोनों वैल्यू को कंपेयर करो, दोनों वैल्यू में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। ये वैल्यू बहुत 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 छोटी है, ठीक है, और ये वैल्यू मीन्स ऐसी वैल्यू जिसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, मीन्स इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को हम डिटेक्ट कर सकते हैं आसानी से, मीन्स इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर आसानी से ऑब्जर्व किया जा सकता है, आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन देखो जो हमारे डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, डेली लाइफ के जो मैटर है, उन मैटर से रिलेटेड जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ की वैल्यू देखो क्या ये बहुत कम आ रही है। अब इस वेवलेंथ को डिटेक्ट करना काफी मुश्किल है, या फिर इम्पॉसिबल टाइप का है ना। तो हम अपनी डेली लाइफ में जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के वेव नेचर को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, या फिर डिटेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स, दैट इज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, लाइक प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, एटम्स, मॉलिक्यूल, लाइक वाइज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, उन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का वेव नेचर आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है, उनके वेव नेचर को ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन हमारी डेली लाइफ में जो ऑब्जेक्ट है, जिनको हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलेंगे, उन पार्टिकल के वेव नेचर को आसानी से ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, आसानी से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो वेव नेचर तो सभी टाइप के पार्टिकल्स के पास होता है, लेकिन हम डिटेक्ट किस टाइप के पार्टिकल को कर सकते हैं, या फिर हम पार्टिकल का वेव नेचर किस टाइप के पार्टिकल के लिए डिटेक्ट कर सकते हैं, तो वो होंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। क्लियर है आप सभी को? चलिए इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है, डी ब्रॉयल वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 kV इज, यहां पर ये लिखा हुआ है 1 kV, तो केवी का फुल फॉर्म है kV। ओके, तो देखो हमें क्वेश्चन में प्रोटॉन गिवन है, और प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है,
तो एक प्रोटॉन है जिसको एक्सेलरेट किया गया है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ मीन्स यहां पर कैपिटल वी दैट इज पोटेंशियल अप्लाइड कितना है 1 kV. ओके मीन्स 1000 volt. फिर हमें बताना है कि उसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा बताना है। तो हमने लास्ट क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट, याद होगा सभी को, 2 mqV। याद आया सभी को फॉर्मूला, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ द पार्टिकल जो कि यहां पर प्रोटॉन है, फिर चार्ज ऑफ पार्टिकल और पोटेंशियल अप्लाइड टू द पार्टिकल। ओके हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू 6.6 इंटू उसको अप्रोक्सीमेटली 6.6 ले लेते हैं एच की वैल्यू को, ठीक है, इंटू 10^-34 अपॉन पूरा अंडर रूट 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास होता है 1.673, तो उसको हम राउंड फिगर करके 1.6 ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी हो सके, हमें तो अप्रोक्सीमेट आंसर आना है। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो आप लोग, थोड़े दूर दूर ऑप्शन है ना, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10^-27 ये केजी में हो गया प्रोटॉन का मास, इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10^-19। अब देखो यहां पर एक और बात बता दो आप लोगों को कि यहां पर प्रोटॉन की जगह इलेक्ट्रॉन होता, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हम रखते हैं 1.6 × 10^-19, -1.6 नहीं रखते, हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करनी होती है, ठीक है, चलिए इस बात को ध्यान रखना, इंटू फिर पोटेंशियल की वैल्यू 1000 × 10^3, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखो, है ना, तो इसमें आप लोग मेथड की सारी चीजें अच्छी तरीके से 6.6 × 10^-34 अपॉन अंडर रूट, अब 2 × 1.6 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या बच गया 10 की पावर्स बच गई, 10 की पावर्स में -27 − 19, तो ये कितना आएगा 9 + 7 = 16 + 1 = 46। ओके यार 46 तक माइनस का साइन -46 और ये यहां पर +3 तो कितना बनेगा -43 बनेगा, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं -10^42 इंटू 10^-1। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं, 6.6 × 10^-34 अपॉन फिर ये अंडर रूट 2 × 1.6 बाहर निकल जाएगा इंटू 10^-42 बाहर निकल कितना बनेगा -21 बनेगा, है ना, -21 और ये इंटू अंडर रूट 10^-1 तो वो ऊपर जाने बनेगा अंडर रूट 10, ठीक है, अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो 6.6 × 10^ ये -34 / 21, 34 − 21 कितना बनेगा 4 − 1 = 13 और ये माइनस का साइन -13, ओके इंटू √10/√2 1.414 इंटू 1.6, अब ये 16 × 4 तक देखते हैं 2.24 आ रहा है ना, 2.24, ओके
पे 2.24 आया और ये 6.6, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स आएगा, 3 डिफरेंस में, तो 3 इंटू रूट 10 मीन्स 3.3 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 13। अब 3.3 ये आ जाएगा 9.9 इंटू 10 टू पावर ऑफ माइनस 13। और हमें आंसर आना है पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर मीन्स 10 टू पावर ऑफ माइनस 12 होता है, तो एक माइनस कॉमन रहते हैं, 10 टू पावर ऑफ माइनस 12, फिर 9.9 इंटू 10 पावर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0.99 के आसपास, ये तो अपन ने अप्रोक्सीमेट किया है कैलकुलेशन, इंटू 10 पावर माइनस 12 तो ये आएगा 0.99 पिकोमीटर, तो 0.99 पिकोमीटर के आसपास कौन सा आंसर है, तो वो है सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग सकता है इसमें, बट अगर कैलकुलेशन को फास्ट करोगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमने क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई किया, फॉर्मूले में वैल्यू सही सही पुट की और एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू पुट की है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है ना, बट अगर हम एकदम एक्जैक्ट वैल्यू पुट करते तो एक्जैक्ट आंसर आता, बट आपको एक्जैक्ट वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, एक एवरेज वैल्यू ले सकते हो आप लोग और उन वैल्यूज को सही सही कैलकुलेट करके फाइनली ऑप्शन से आंसर चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कर लो इसको। अब इस क्वेश्चन को देखो, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द फर्स्ट पोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि बोर के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन m इंटू वी, तो हमारे पास h की वैल्यू है, m की वैल्यू है इलेक्ट्रॉन के लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट हम आसानी से निकाल सकते हैं फॉर्मूले यूज करके, v इक्वल्स टू 2.19 इंटू 10 टू पावर ऑफ 6 अपॉन m मीटर पर सेकेंड। ओके, इस फॉर्मूले से हम वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट करके फिर लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर एक और तरीका है, एक और कॉन्सेप्ट है इनफैक्ट, और वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखो, तो कॉन्सेप्ट है रिलेशन बिटवीन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर बोर ऑर्बिट एंड वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। तो देखो बोर ने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी जिसमें इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की बात की गई थी, है ना, तो उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम दैट इज mvr इक्वल होगा h अपॉन 2π या फिर उसके कोई इंटीग्रल मल्टीपल के। ठीक है, इस mvr इक्वल टू nh अपॉन 2π। ओके, बट इस पर्टिकुलर इक्वेशन का कोई रीजन उन्होंने नहीं दिया था बोर ने कि ऐसा क्यों है। ठीक है, उन्होंने बस अपनी एक प्रेडिक्शन करी कि ऐसी इक्वेशन होगी तभी जाके मेरी थ्योरी वैलिड हो पाएगी। ओके, लेकिन डी ब्रॉय ने बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, न्यूक्लियस है उसके चारों ओर जो सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाता है ना, ये हम सर्कुलर ऑर्बिट बना देते हैं, उस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से मूव करेगा, तो वेव की तरह मूव करेगा, है ना, तो ऐसा इन्होंने बोला, डी ब्रॉय ने बोला। लेट्स सपोज हम
वेव को यहां से स्टार्ट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन इसके चारों जो चक्कर लगा रहा है वो वेव की तरह चक्कर लगा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो अगर जो मैंने भी वेव बनाई वो वेव यहां पर आके मेल नहीं कर रही है, यहां पर आकर मैच नहीं कर रही है, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन मैं अगर दूसरा कोई डायग्राम बनाऊ, लेट्स सपोज सर्कुलर ऑर्बिट बनाया, उस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब वेव की तरह चल रहा है, अगर ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वापस आ गए, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस, तो वो वेव फिर वापस से मूव कर लेगी उसी पाथ में। तो ये है इलेक्ट्रॉन की वेव जो कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही है, ठीक है। तो डी ब्रॉय ने कहा इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में वेव की तरह घूमेगा जिनका सर्कमफेरेंस दैट इज 2 पाई आर, दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द दैट इज n टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। ओके, डी ब्रॉय ने कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर सकेगा जिनका सर्कमफेरेंस उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ के इक्वल या फिर उसके कोई इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल होगा, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल मीन्स एन की वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लाइकवाइज आगे बढ़ सकती है, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए, तो ऐसा कहा डी ब्रॉय ने। ओके, अब देखो हम इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, अब वो कैसे उसको देखो, तो ये चीज हम आपको समझ आ गई कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर पाएगा जिन सर्कुलर ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में इक्वल या फिर उसके कोई इंटीग्रल मल्टीपल के इक्वल हो, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, या फिर वेवलेंथ फेस में हो, है ना। अब ये फेस क्या होता है ये सब हम फिजिक्स पढ़ते हो, है ना। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहां से रिवॉल्व करना स्टार्ट किया था लेकिन उसकी वेव वापस उसी रास्ते पे नहीं जा पाई, तो ये इस तरीके से इस ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं कर सकता, लेकिन इस ऑर्बिट में वो परफेक्टली मैच कर रहा है और जहां से वो जंप स्टार्ट कर रहा था वहीं पे वो एंड भी हो रहा है, मीन्स वापस से वो अपने पाथ को रिपीट कर सकता है, तो ये रास्ता सही है इलेक्ट्रॉन के लिए, रास्ता सही नहीं है, ठीक है। और ये है डी ब्रॉय की इक्वेशन। ओके, 2 पाई आर स्विच टू एन टाइम्स ऑफ लेंथ, अब हियर एन मे बी 1, 2, 3, 4 लाइकवाइज। ओके चलिए, अब देखो हम इस इक्वेशन से वाली इक्वेशन डिराइव करेंगे, तो वो कैसे है उसको देखो, पहले इसको हटा दूं, तो
तो 2 पाई आर इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा. अब लैम्डा हमने देखा था, लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी, एच अपॉन एम वी. ओके, तो अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे और 2 पाई को इधर ट्रांसफर करोगे, क्या हमने कहा एम वी आर इक्वल्स टू एन एच अपॉन 2 पाई. देखो यार इक्वेशन क्या है, ठीक है, तो इस तरीके से प्रूव किया किसने, डी ब्रॉगली ने, इस पर्टिकुलर इक्वेशन जो कि बोर ने प्रूव नहीं किया, या फिर बोर ने इसका कोई रीजन नहीं दिया. क्लियर सर आया था, है ना. तो देखो हमने देखा था कि इस इक्वेशन में n क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट करता है. तो वैसे ही इस इक्वेशन में भी ये n ऑर्बिट नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है. जैसे यहाँ पर n की वैल्यू 2 है तो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात हो रही है. n की वैल्यू 3 है मीन्स थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की बात हो रही है. आई बात समझ में, मीन्स जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वेव की तरह, तो उस ऑर्बिट का नंबर यहाँ पर पुट होगा, ठीक है, और उसी ऑर्बिट से रिलेटेड उसकी वेवलेंथ ये होगी और उसी ऑर्बिट पर ये है. यहाँ तक जैसे देखो, फिर इसको नोट करो फटाफट, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फटाफट. तो इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फटाफट सॉल्व है, जल्दी सॉल्व है ना. नोट करो इसको. नोट करिए. फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ क्या होगी, तो फर्स्ट ऑर्बिट का सर्कमफेरेंस इक्वल्स टू 2 पाई आर वन, दैट इज रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट. ओके, यहां पर 2 पाई आर वन इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 पाई आर वन इक्वल्स टू एन की वैल्यू 1 और यहां पर लैम्डा. तो लैम्डा क्या आ गया, 2 पाई इंटू आर वन. ओके, और आर वन की फॉर्मूला, आर वन का फॉर्मूला में देखा था, दैट इज 52.9 इंटू एन स्क्वायर, दैट इज 1 स्क्वायर. और ये किस में आता, एंगस्ट्रॉम में आता. हमें एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए, ठीक है, सॉरी एंगस्ट्रॉम में नहीं आता, 52.9 पिकोमीटर में आता है ना. तो ये पिकोमीटर में आंसर आएगा, बट हमें एंगस्ट्रॉम में आंसर चाहिए. तो 52.9 इंटू पीको में 10^-12. अब 10^-12 को हम लिख सकते हैं 10^-2 इंटू 10^-10, ताकि हम एंगस्ट्रॉम में रिप्रेजेंट कर सके इसको. ओके, यहां पर ये आएगा 2 पाई इंटू ये अपॉन 100 बनेगा तो 0.529 और ये 10^-10 एंगस्ट्रॉम बनेगा. तो ये अभी वेवलेंथ की वैल्यू, कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है. तो इस फॉर्मूले से हम फटाफट आंसर ला सकते हैं. क्लियर सभी को यहां तक. एक और चीज देखो, यहां पर ये जो इक्वेशन है 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिट इक्वल्स टू एन टाइम्स ऑफ लैम्डा, तो इसमें एन क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक तो ऑर्बिट नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑर्बिट नंबर. ओके, और एक और रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेव, नंबर ऑफ वेव इन दैट ऑर्बिट. क्लियर सर में आता है, ठीक है. तो अगर आप हमसे पूछ रहे हैं कि किस ऑर्बिट में कितनी वेव्स होगी, तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टली ऑर्बिट का नंबर देखो, तो जिस ऑर्बिट की बात हो रही है उसमें उतनी ही वेव्स होंगी. जैसे थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिट में 3 वेव्स होंगी टोटल, ठीक है, मींस 3 वेव्स कंप्लीट हो रही होंगी एक सर्कल में. फिर अगर फिफ्थ ऑर्बिट की बात हो रही है, तो 5 वेव कंप्लीट हो रही होगी फिफ्थ ऑर्बिट में. क्लियर, तो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को याद रखना है. क्लियर सभी में आया था, चलिए नोट करो इसको भी.
अब इस प्रश्न को देखो, टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैव डिप्रोय वेवलेंथ 1 नैनोमीटर एंड 5 नैनोमीटर रेस्पेक्टिवली, इफ मास ऑफ ए इज 4 टाइम्स मास ऑफ बी, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज ऑफ ए एंड बी वुड बी। तो मैं यहां पर क्वेश्चन में दो पार्टिकल दिए हुए हैं ए एंड बी, ओके, फिर ए के बारे में बोल रहे हैं कि ए की वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर और बी की वेवलेंथ 5 नैनोमीटर, ओके, फिर कह रहे हैं कि मास ऑफ ए दैट इज एम ए 4 टाइम्स है मास ऑफ बी के। तो हमें पार्टिकल ए की काइनेटिक एनर्जी और पार्टिकल बी की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला है लैम्डा का, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम के ई, ठीक है। तो अगर हम लैम्डा ए इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 इंटू एम ए इंटू के ई ऑफ ए फर्स्ट इक्वेशन बनाए, लैम्डा बी इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2 एम बी इंटू के ई ऑफ बी सेकेंड इक्वेशन बनाए, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने पर हमें क्या मिलता है उसको देखते हैं, तो 1 डिवाइड बाय 2 करते हैं, लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी इक्वल्स टू, तो ये ऊपर आ जाएगा अंडर रूट पूरा कॉमन हो जाएगा, 2 कैंसिल, मास ऑफ बी इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी अपॉन मास ऑफ ए इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल्स टू अंडर रूट मास ऑफ बी, इसको एम बी रखते हैं, इंटू के ई ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बी इंटू के ई ऑफ ए, ठीक है, इक्वल्स टू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी 1/5। फिर एम बी एम बी कैंसिल, दो जब स्क्वायर कर देते हैं क्या आएगा 1 अपॉन यहां पर 4 इंटू के ई ऑफ बी अपॉन के ई ऑफ ए इक्वल्स टू 1 अपॉन 25, इस इक्वेशन को हमने स्क्वायर कर दिया है दोनों तरफ, ठीक है, ये 4 इस तरफ आएगा, तो के बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए इक्वल्स टू 4 अपॉन 25, और हमें क्या चाहिए के ई ए अपॉन बी चाहिए, इसका इनवर्स दैट इज कितना आएगा 25 अपॉन 4, ये होगा आंसर इसका, क्लियर हो सभी का है, चलो इसको नोट कर लो। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक ऐसा प्रिंसिपल, एक ऐसी थ्योरी जिसके बेसिस पर मॉडर्न एटॉमिक मॉडल तैयार किया गया, ठीक है। तो देखो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले बहुत पूछे जाते थे बट अब उतना नहीं पूछता है इससे, है ना, बट ये बेसिक प्रिंसिपल है अपनी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, ओके। अब देखो हाइजेनबर्ग साइंटिस्ट था जिसने क्या बोला, तो उन्होंने कहा
कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के पास वेव नेचर होता है, तो ऐसे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम को एग्जैक्टली एक ही टाइम पे डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है। मीन्स हम एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में बहुत ही छोटे पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी या फिर मोमेंटम, वेलोसिटी होगी तो मोमेंटम भी होगा, इट इज एम इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, ठीक है। तो इन दोनों को एग्जैक्टली एक ही टाइम पे डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल, तो ऐसा किसने कहा, हाइजेनबर्ग ने कहा, ठीक है। तो एक बार और सुनो कि उन्होंने क्या कहा, कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी दैट इज मोमेंटम, मींस वेलोसिटी बोल रहे या फिर मोमेंटम बोल रहे, दोनों को साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ या फिर एक ही इंस्टेंट में एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीन्स इनकी एग्जैक्ट वैल्यू एक ही टाइम पे मीन्स साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। और यही प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ओके। मीन्स अगर हम पोजीशन को एग्जैक्ट पता करने की कोशिश करेंगे, मीन्स पोजीशन की एग्जैक्ट वैल्यू लाने की कोशिश करेंगे, तो वेलोसिटी और मोमेंटम में एरर आ जाएगा, मीन्स गड़बड़ी आएगी, ठीक है। और अगर हम वेलोसिटी और मोमेंटम को एग्जैक्टली कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन में एरर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम दोनों को एक साथ एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते, मीन्स एट अ टाइम एक ही चीज को एग्जैक्टली डिटरमाइन किया सकता है, दूसरों को दूसरी प्रॉपर्टी या फिर दूसरे टर्म को डिटरमाइन एग्जैक्टली नहीं कर सकते, किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉन जैसे, ठीक है। और ये हमारे डेली लाइफ के पार्टिकल्स के लिए अप्लाई नहीं हो पाती, तो वो क्यों नहीं हो पाती, तो वो सब हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, है ना। जैसे आप लोग फिजिक्स में एक इंस्टेंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड और पोजीशन दोनों डिटरमाइन कर सकते हो एग्जैक्टली, लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी और मोमेंटम को एग्जैक्टली डिटरमाइन करना इम्पॉसिबल होता है। तो ये है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये सब क्यों है वो सब भी अपन डिस्कस करेंगे, हम अपने स्टेटमेंट डिस्कस कर रहे हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजिशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ओके। तो यह है स्टेटमेंट हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। इसको नोट कर लो, इसके मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। मीन्स हाइजेनबर्ग ने क्या मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के बेसिस पर,
है ना। तो देखो तो हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी इक्वेशन को देखो, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, तो डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ठीक है, या फिर पोजिशन की वैल्यू में एरर, इनटू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी, पी रिप्रेजेंट्स मोमेंटम, डेल्टा पी रिप्रेजेंट्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो पोजिशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मिनिमम कितना होगा एच अपॉन फोर पाई के, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक इनइक्वालिटी इक्वेशन है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या फिर आप नॉर्मल पार्टिकल के लिए अप्लाई करें, तो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन में एरर या फिर पोजीशन में अनसर्टेनिटी और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट मिनिमम एच अपॉन फोर पाई के इक्वल होगा या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हम केवल इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। हमारे डेली लाइफ के जो पार्टिकल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, बड़े पार्टिकल्स, उनके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो सब क्यों नहीं कर सकते, वो आप लोग को आगे चल के समझा जाएगा, है ना। चलिए, ये है मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन या फिर फॉर्मूले को आप लोगों को डायरेक्टली याद रखना है ना, और क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप लोग यहाँ पर इक्वल का साइन यूज करोगे, ठीक है। चलिए, अब देखो यहाँ पर डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, कि पोजीशन जो हमने मेजर की है, कि मान लो कि इनिशियली पार्टिकल यहां पर है, अब वो चला मूव किया और कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद यहां पहुंच गया, है ना। तो अगर ये जीरो लेवल का है, अगर जीरो मीटर है, तो यहां पर इस पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, 10 मीटर होगी, 11 मीटर होगी, तो ये एग्जैक्टली बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। मीन्स हम जो भी पोजीशन बताएंगे इसकी, वो उस पोजीशन में कुछ ना कुछ एरर आएगा, ठीक है। जैसे हमने बताया 10 मीटर, लेकिन उसकी एक्चुअल पोजीशन है 11 मीटर, तो उसमें एरर आ गया 1 मीटर का, है ना, तो वो अनसर्टेनिटी है। क्लियर से समझ में आया था, किसमें अनसर्टेनिटी, पोजीशन में अनसर्टेनिटी, ठीक है। चलिए, वैसे ही डेल्टा पी, डेल्टा पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्लियर है सभी को। और डेल्टा पी को ओपन करोगे तो आप लोग इस तरह ओपन कर सकते हो, डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा एम वी इक्वल्स टू, अब मास तो कॉन्स्टेंट होता है, तो मास को हम बाहर निकाल दें तो एम इंटू डेल्टा, ओके, यहां पर डेल्टा बी इक्वल टू एम इंटू डेल्टा बी, डेल्टा बी आया, तो डेल्टा बी क्या है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी और स्पीड भी बोल सकते हो, ठीक है। स्पीड हमने जो मेजर की है या फिर वेलोसिटी जो हमने मेजर की है, उसमें क्या एरर आया है, क्या अनसर्टेनिटी है, ठीक है, वो डेल्टा बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। अब हम इस इक्वेशन को वापस से लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ डेल्टा बी, इज डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एच ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन फोर पाई, ओके। फिर डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन फोर पाई इंटू एम, ठीक है। यहां पर डेल्टा एक्स पोजिशन में अनसर्टेनिटी, डेल्टा वी
स्पीड में, वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी, एम मास ऑफ द पार्टिकल, ओके, और एच है लेंस कांस्टेंट, और 4π आप लोगों को पता ही है, ठीक। तो ये दो मेन इक्वेशन है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, ठीक है। तो सुनो तो लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को लॉजिकली समझते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम अगर किसी पार्टिकल को देखना चाहें, है ना, मीन्स ये पार्टिकल हमारे लिए विजिबल हो, तो उस पर लाइट पड़नी चाहिए और लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आनी चाहिए। ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, है ना, उस लाइट की वेवलेंथ पार्टिकल की साइज से कम होनी चाहिए, तब हमें ये पार्टिकल आसानी से दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि किसी पार्टिकल को देखने के लिए जो हम लाइट यूज कर रहे हैं, उस लाइट की वेवलेंथ उस पार्टिकल की साइज से कम होनी चाहिए। यहां तक क्लियर से देखो। चलिए अब देखो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, ओके। तो देखो ये एक सर्कुलर पाथ है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ओके। तो लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है और इसकी पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए हम यहां पर एक लाइट यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें किस टाइप की लाइट यूज करनी पड़ेगी ताकि ये इलेक्ट्रॉन हमें दिखे, ठीक है। तो जब लाइट इस इलेक्ट्रॉन्स को से टकराएगी तो लाइट रिफ्लेक्ट होगी और हमारी आंखों तक पहुंचेगी, ठीक है। लेट्स सपोज हम इसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे हैं, माइक्रोस्कोप है छोटा सा, है ना। ओके, तो हम क्या कर कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने लाइट यूज की, ओके। तो अब बताओ हमें लाइट कैसी यूज करनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम आसानी से डिटेक्ट कर पाए। तो देखो यहां पर पार्टिकल की साइज से कम वेवलेंथ होनी चाहिए लाइट की, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन पहले से बहुत छोटा पार्टिकल, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, तो ऑब्वियस सी बात है उस इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने के लिए हमें लाइट कैसी यूज करनी पड़ेगी, वेरी वेरी स्मॉल वेवलेंथ वाली लाइट, ठीक है। तो ऐसी लाइट यूज कर रहे हैं हम जिसकी वेवलेंथ बहुत बहुत स्मॉल है, ओके। अब अगर स्मॉल वेवलेंथ बहुत स्मॉल होगी तो एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई होगी। यहां तक क्लियर सभी को? तो हम इलेक्ट्रॉन को तो लोकेट कर लेंगे, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये लाइट इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को चेंज कर देगी, मोमेंटम ट्रांसफर करके इस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को चेंज कर देगी। तो इसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा, जिससे मोमेंटम की वैल्यू में एरर बहुत ज्यादा आएगा, मीन्स हम इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे अगर हम उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करना चाहते हैं। आई बात समझ सभी को, है ना। चलिए तो यहां पर हमने क्या सीखा, जब हम इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं या फिर लोकेट करना चाहते हैं, उसकी पोजीशन को एग्जैक्टली डिटरमाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें लाइट बहुत स्मॉल वेवलेंथ वाली यूज करनी पड़ेगी। तो जब हम बहुत स्मॉल वेवलेंथ वाली लाइट यूज करेंगे तो उससे हम पोजीशन को डिटरमाइन कर लेंगे, लेकिन उस लाइट के पास एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, जिससे उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम काफी ज्यादा चेंज हो जाएगा,
जिससे हमें मोमेंटम की वैल्यू में काफी ज्यादा एरर मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो, अगर हमें मोमेंटम को एग्जैक्टली डिटरमाइन करना है, मीन्स मोमेंटम में कम एरर लाना है, तो उसके लिए हमें वेवलेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा। तो हम जब लार्ज वेवलेंथ वाली लाइट यूज करेंगे मोमेंटम की मोमेंटम में कम एरर लाने के लिए, तो उस केस में हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट नहीं कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं पाएंगे, वेवलेंथ पार्टिकल के साइज से ज्यादा होते हैं, तो ये दिक्कत है ना। तो इस वजह से हम इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजिशन और वेलोसिटी और मोमेंटम को एग्जैक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते एक साथ। क्लियर सभी को आंसर है ना। चलिए फिर हम ऐसा मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में हमारे डेली लाइफ के पार्टिकल्स के लिए आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के पार्टिकल पे लाइट का कोई फर्क नहीं पड़ता, मीन्स लाइट के पड़ने से उनके मोमेंटम में ज्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि हमारे डेली लाइफ के जो ऑब्जेक्ट है उनके मास काफी ज्यादा है, ठीक है, और साइज भी ज्यादा होती है। क्लियर, तो वो दिक्कतें अपने डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट में नहीं होती। क्लियर सभी का आंसर। इसको नोट कर लेना। चलिए अब इस प्रिंसिपल को हम क्वेश्चन क्यों समझते हैं, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन है। किससे तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन इज 10^-10 मीटर। तो हमें इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन जो कि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसकी पोजिशन में अनसर्टेनिटी इन पोजिशन कितनी दी हुई है, 10^-10 मीटर। तो इस वैल्यू में देखो बहुत छोटी वैल्यू है, मीन्स पोजिशन में अनसर्टेनिटी बहुत कम है, मीन्स हम पोजिशन को एग्जैक्टली बताने की कोशिश कर पा रहे हैं, मीन्स हम पोजिशन में ज्यादा एरर नहीं देख रहे, है ना। तो चेक करते हैं कि वेलोसिटी में कितना एरर आता है, वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी फॉर्मूला, इट इज डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई, मीन्स मिनिमम कितना एरर आएगा उसको निकाल देगा। ठीक है, तो मिनिमम के लिए इक्वल टू का साइन यूज करेंगे। ओके, तो डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स नीचे आ जाएगा डेल्टा एक्स। ओके, -10 देख लो यहाँ पर 6.626/4×312 के आसपास अप्रोक्सीमेट करते हैं इंटू 9.1 को 9 ले लेंगे। ओके, इंटू क्या रहेगा, अब ये सॉल्व हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर -31 -10 दैट इज -41, -41 ऊपर जाके +41 बनेगा। ओके, फिर +41 -34 ये कितना आएगा 7, 10^7। ठीक है, और ये मीटर पर सेकेंड। तो देखो अब इसको सॉल्व करोगे तो 6.6 ये 2. समथिंग जाएगा, 9×2 = 18, 1/20 ले लेते हैं अपन, तो 1/20 लोगे तो 0.5 है ना, 0.5 10.05 means 5×10^5 सॉल्व देख लेना आप लोग, है ना। तो ये आ रहा है 5×10^5। तो देखो वेलोसिटी में कितना एरर आया, 10^5 के टर्म्स में आ रहा है, तो स्पीड में बहुत ज्यादा एरर है अगर हमने पोजीशन में एरर को कम से कम रखने की कोशिश की। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ अ बॉल, ये बॉल मींस अपने डेली लाइफ का ऑब्जेक्ट विच हैव अनसर्टेनिटी ऑफ 10^-10 मीटर इन इट्स पोजिशन। तो यहां पर डेल्टा एक्स दिया हुआ है 10^-10 जैसा यहां पर दिया था, है ना, और हमें डेल्टा वी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा
x equals to 6.6 into 10 to the power of minus 34 upon 4 into 3.14 into mass golf ball ka, sorry, ball ka 100 gram, 100 means 0.1 kilogram mein hona chahiye, yahan itna mass kilogram mein hona chahiye, into 10 to the power of minus 10. Okay, to isko solve karenge to ye 6.6 upon 4 into 3 12 into 0.1 into 10 to the power of minus 10 ऊपर जाके minus 24 बनेगा, है ना? फिर ये 0.1 into 12 1.2, तो ये 12 something जो भी आए. अब देखो यहाँ पर 10 to the power minus 24 है मीटर पर सेकेंड. वो तो आप हम सेफ्टी के लिए इसको देख रहे हैं. तो देखो पोजीशन में एरर है 10 to power minus 10 का, मीन्स बहुत कम, और स्पीड या फिर वेलोसिटी में एरर आ रहा है 10 टू पावर माइनस 24, ये भी बहुत कम है. तो दोनों में ही बहुत कम एरर आ रहा है, ठीक है. मींस हम दोनों को एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, मींस पोजीशन को भी और स्पीड को भी, इसके लिए अपने डेली लाइफ के मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है. लेकिन इलेक्ट्रॉन जैसे छोटे पार्टिकल की पोजिशन को 100% एक्यूरेटली मेजर करना और स्पीड को भी उसी टाइम पे एग्जैक्टली 100% एक्यूरेट मेजर करना इम्पॉसिबल. अगर हम पोजीशन को एग्जैक्टली डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो वेलोसिटी में एरर आएगा, और वेलोसिटी को डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन में एरर आएगा. क्लियर हुआ आप सभी को? तो होपफुली आप लोगों को इस इन दो क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपने डेली लाइफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. चलिए और चलो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन है, इफ द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी विल बी. तो ऑप्शन हमें दिए हुए, तो यहां पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं डालनी है, हमें एक्सप्रेशन लाना है. तो पहले तो सबसे पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं. तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दैट इज डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दोनों इक्वल है, दैट इज डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी. तो हमें बताना है कि गिवन है ना, तो हमें बताना है कि डेल्टा वी क्या होगा. ओके, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. ओके, फिर डेल्टा पी और डेल्टा एक्स दोनों इक्वल है तो हम डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा पी रख सकते हैं, डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा पी का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई. डेल्टा पी क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई. ओके, फिर 4 कॉमन, 4 का अंडर रूट आएगा 2, वो बाहर आ जाएगा. तो डेल्टा पी इक्वल्स टू एच अप सॉरी 1/4 बाहर निकाले तो 2 इंटू अंडर रूट एच अपॉन 5. ओके, फिर हमें डेल्टा वी निकालना है, तो डेल्टा पी क्या होगा, एम इंटू डेल्टा वी इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट एच अपॉन 5. तो डेल्टा वी इक्वल्स टू 1/2 एम, एम नीचे आ जाएगा, इंटू अंडर रूट एच अपॉन 5. तो ये एक्सप्रेशन कौन से ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो सेकेंड ऑप्शन. क्लियर है सभी को? चलिए इसको नोट कर लो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड विच इज एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी. तो हमसे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछी है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स. ओके,
फिर क्वेश्चन में क्या है, वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है, जिसको एक्यूरेट किया जा सकता है 0.001% तक, मतलब इतना सही किया जा सकता है, मीन्स इसमें गड़बड़ी है। तो अब इसमें कितनी गड़बड़ी है, 0.001%, ठीक है। डेल्टा वी दैट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी कितनी मिलेगी, 0.01% मीन्स आउट ऑफ 100 ऑफ व्हाट, ऑफ 300, ये हुआ 0.001% ऑफ 300, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, 0.001 मीन्स 10^-3 इंटू 3 इंटू 100 अपॉन 100 कैंसल, तो फाइनली आ रहा है 300 × 10^-3, ये हमारे पास आ गया डेल्टा वी। ओके, अब हम डेल्टा एक्स के बारे में निकालेंगे, तो फॉर्मूला है हमारे पास डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल्स टू एच अपॉन 4π, डेल्टा एक्स हो जाएगा एच अपॉन 4π एम इंटू डेल्टा वी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10^-34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10^-31 इंटू डेल्टा वी मेरा 3 × 10^-3। ओके, अब इस इक्वेशन, इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखना और कौन सा ऑप्शन आता है। ओके, तो ऑप्शन काफी पास पास है, इस वजह से इसको थोड़ा सा केयरफुली सॉल्व करना आपको, ठीक है। चलिए, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में और भी नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। चलिए, आज के इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में, और होमवर्क आप लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है।